नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ सुप्रिया मिन्हास। हर किसी के दिल की तमन्ना होती है कि एक दिन ऐसा भी आए कि हम भी दुनिया घूम के आए। आमतौर पर लोग दुनिया घूमने का प्लान एयरप्लेन से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल पर दुनिया घूमने के बारे में सोचा है? आज हम आपको भारत की 20 साल की एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने साइकिल पर दुनिया घूमने के बारे में न सिर्फ सोचा बल्कि 159 दिनों में ये कारनामा करके भी दिखाया। पुणे की 20 साल की वेदांगी कुलकर्णी साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई हैं। वेदांगी ने रविवार सुबह कोलकाता पहुंच 29,000 किलोमीटर की मानक दूरी को तय किया है। बता दें, वेदांगी ने इस सफर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से जून महीने में की थी। इस दौरान उन्होंने 159 दिनों में 14 देश घूमे, जिसमें वो रोजाना 300 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। वेदांगी ने बताया, मैंने 159 दिनों की यात्रा में 14 देश घूमे, रोजाना 300 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान मुझे कुछ अच्छे और बुरे अनुभव हुए। मैंने साइकिल पर लगभग 80% यात्रा अकेले पूरी की। वहीं वेदांगी के इस रिकॉर्ड से उनके पिता विवेक कुलकर्णी काफी खुश नजर आए। उनके पिता ने बताया कि दुनिया में कुछ ही लोगों ने इस मुश्किल चुनौती को पूरा किया है और उनकी बेटी दुनिया का चक्कर लगाने के मामले में सबसे तेज एशियाई है। बता दें, इस सफर के दौरान वेदांगी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कनाडा में एक भालू उनके पीछे पड़ गया था। रूस में बर्फ से घिरी जगहों पर उन्हें कई रातें अकेले गुजारनी पड़ी, तो वहीं स्पेन में चाकू की नोक पर उनसे लूटपाट भी हुई। अपने सफर के दौरान बहादुर वेदांगी को -20 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस तक झेलना पड़ा। बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रिटेन की 48 साल की जेनी ग्राहम के नाम है। जेनी ने साल 2018 में ये सफर 124 दिनों में पूरा किया था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।